आज हमारी किचन यानी कि के किचन के अंदर हम बनाएंगे मसाला डोसा एंड उत्तपम। नाउ डोसा और उत्तपम का बैटर सेम है, आपको जो ध्यान देना है वो है इसकी रेशियो पे, मतलब जो जो चीज़ें जाती है उसकी रेशियो पे। एट द सेम टाइम फर्मेंटेशन अच्छी होगी, डोसा और उत्तपम बढ़िया निकलेगा। इससे पहले कि हम बैटर बनाएं, हम लोग शुरू कर देते हैं मसाला डोसा का, जो पोटैटो मसाला होता है जो अंदर उसकी फिलिंग होती है उससे। पैन गरम है, हम लेंगे थोड़ा ऑयल। सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च, इसमें जाएगा मस्टर्ड सीड्स, लेट देम क्रैकल। करी लीव्स, थोड़ी सी रोस्टेड चना दाल, इसमें डालेंगे चॉप्ड अनियंस। अनियंस को हल्का सा लाइटली हमें पकाना है, नॉट टू मच। इसमें हम डालेंगे चॉप्ड ग्रीन चिली, थोड़ी सी मैंने ज़्यादा डाली है। इसमें डालेंगे हम हल्दी, अ क्विक स्टर, और इसमें हम डालेंगे बॉइल्ड एंड मैश्ड पोटैटो। जो आलू को मैश करना है वो कंप्लीटली नहीं करना, थोड़ा सा चंकी रखेंगे। इसमें हम डालेंगे नमक, इसे अच्छे से मिला लेंगे, और आलू की भुनाई होनी है क्विकली, जस्ट फॉर अबाउट 3-4 मिनट्स ऑन हाई हीट, और मसाला डोसा का मसाला तैयार है। इसे हम अलग से निकाल कर रख देंगे। डोसा बैटर के लिए हमें चाहिए बॉइल्ड राइस एंड रॉ राइस। बॉइल्ड राइस एक वैरायटी ऑफ राइस है, जब राइस अपने हस्क में होता है, छिलके में होता है, उसे हल्का सा बॉइल या फिर स्टीम किया जाता है, उससे उसका साइज़ थोड़ा सा फूल जाता है, पकता नहीं है वो। उसके बाद उसे धूप में सुखाया जाता है और फिर उसमें से चावल निकलता है। ऐसा करने से क्या होता है, एक तो उसकी यील्ड बढ़ती है, मतलब जितना चावल आप बनाते हैं उससे खिलकर और निकलता है, साथ ही साथ उसके अंदर जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो और बढ़ जाते हैं। सो बॉइल्ड राइस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ हमें चाहिए रॉ राइस। नाउ जो भी सामान अब हम डाल रहे हैं इसमें डोसा बनाने के लिए, वो सारा सोक किया हुआ है कम से कम 1 घंटे के लिए। सो ये है बॉइल्ड राइस। अब इसमें जाएगा ये भीगा हुआ रॉ राइस 3 कप, सो 3:1 का रेशियो है। हमारे पास है ये उड़द दाल बिना छिलके के, जिसे हमने भिगो के रखा था, ये भी जाएगा 1 कप। अब इसमें जाएगी चना दाल जिसे हमने भिगो कर रखा था, चना दाल 1/4 कप। इसमें जाएगी मेथी दाना करीबन 2 टीस्पून। इसे अब हम यहाँ पर फिक्स करेंगे, पहले थोड़ी देर ग्राइंड करेंगे बिना पानी के, क्योंकि ऑलरेडी इसने पानी सोख किया हुआ है, और एक बार जब ये दरदरी हो जाएगी थोड़ा सा पानी डालकर एक स्मूथ बैटर बनाएंगे। ना ये पिस गया है, लेकिन अभी भी इसके अंदर काफी मोटा दाना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा और पानी ताकि इसकी ग्राइंडिंग आसान हो जाए। और हमारा बैटर तैयार। बैटर को हम पोर कर लेंगे इस बोल में, एक बड़े बोल में करना है, और इस वक्त जो बैटर है पोरिंग कंसिस्टेंसी का है, लेकिन एज इट विल फर्मेंट ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। ये बैटर जाएगा अनकवर्ड एक ऐसी जगह में किचन में आपके, जहाँ पर थोड़ी सी नमी हो या थोड़ी सी वार्म्थ हो, ताकि इसके अंदर एक नेचुरल फर्मेंटेशन केक हो। कम से कम 12 घंटे, नहीं तो कंप्लीट ओवरनाइट, इवन 24 आवर्स तक अगर आप इसको अच्छे से फर्मेंट करने देते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया बैटर बनेगा। सो आई ऑलरेडी हैव सम बैटर रेडी, जो फर्मेंटेड है, रेडी टू कुक है, नाइसली फर्मेंटेड।
देखिए, जैसे मैं इसको मिलाऊंगा ये थोड़ा बैठ भी जाएगा। अगर आपको बैटर थिक लगे तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं। थिक का मतलब अगर ऐसे पोरिंग कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप थोड़ा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। जेनरस पिंच ऑफ सॉल्ट, गिव इट अ नाइस मिक्स, परफेक्ट। डोसा बनाने के लिए अगर आपके पास आयरन तवा है तो आयरन के तवे पे भी बन जाएगा। दिस इज नॉन स्टिक थोड़ा सा आसान कर देता है डोसा को बनाने के लिए, बट नॉन स्टिक के ऊपर अगर ऑयल होगा तो बैटर फैलाने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए आप देखते हैं जब डोसा बनाते हैं, वो जब अन्ना अपना तवे पे बनाते हैं, वो हल्का सा पहले ऑयल डालते हैं फिर पानी डालते हैं। पानी से क्या होता है, स्टीम बनती है और ऑयल भाप बन के पानी के साथ उड़ जाता है, एंड देन दे रब इट विद अ क्लीन क्लॉथ। बैटर को डालेंगे सेंटर में और फिर सर्कुलर मोशन में घुमाकर उसे फैला लेंगे। इफ यू नोटिस, ये हल्की सी ब्राउनिंग शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ड्रिजल करेंगे। मैं इसको ऐसे स्मीयर कर लूंगा इसका एक्स्ट्रा बैटर, या स्क्रेप करके आप रिमूव भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैटर है, यू कैन रिमूव दिस, दैट्स परफेक्टली फाइन। अब हम इसमें मसाला डालेंगे, इसको आराम से यूं सेंटर में ही फैला लेंगे। साइड से हम इसे उठाएंगे और इसे हम रोल करेंगे। हमारा मसाला डोसा तैयार। गर्मा गर्म स्टीमिंग हॉट मसाला डोसा रेडी। नाउ डोसा तैयार है, उत्तपम भी मिनटों में बन जाएगा। थोड़ा पानी का छिड़का एंड देन जस्ट वाइप इट क्लीन। उत्तपम बनाने के लिए हम लोग बैटर को लेंगे, सेंटर में डालेंगे एंड उसको पोर होने देंगे। वी डोंट हैव टू स्प्रेड इट। हमारे पास है ये कड़ी पत्ता, थोड़ा सा चॉप्ड अनियन, चॉप्ड टमेटो एंड थोड़ा सा ग्रीन चिली, थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर। एट दिस स्टेज इसके ऊपर हम बटर भी डाल सकते हैं मेल्टेड, या फिर थोड़ा सा ऑयल, आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं। जस्ट प्रेस इट जेंटली ताकि इस पे चिपक जाए। एंड नाउ लेट्स जस्ट फ्लिप दिस। कभी कभार सेंटर से कच्चा रह जाता है, जेंटली प्रेस इट, नॉट टू मच। नाउ लेट्स जस्ट फ्लिप इट बैक। देयर यू गो, क्या खुशबू आ रही है, वाह। ना इट इज, लेट्स जस्ट रिमूव दिस एंड प्लेस इट। नाइस स्टीमिंग हॉट उत्तपम्स एंड मसाला डोसा। चाहिए तो सिर्फ चटनी, चटनी है। एंड जस्ट इन केस अगर आपको खूब सारी चटनियों की रेसिपीज चाहिए, स्पेशली साउथ इंडियन, डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मज़ेदार चटनी है, या फिर एंड स्क्रीन पे भी आएगी, वॉच इट। एज ऑफ नाउ मेरा नाश्ता डन है, मसाला डोसा एंड उत्तपम डन। हे गाइस, दिस इज कुणाल दिस साइड, वेलकम टू माय किचन द के किचन। आज के किचन के अंदर हम बनाएंगे कोकोनट चटनी। इट्स अ वेरी सिंपल चटनी, आपने डोसे के साथ, इडली के साथ जरूर खाई होगी, सुनी होगी। द बेस्ट पार्ट इज कि ये एक फ्रेश चटनी है और इसे फ्रेश कंज्यूम करने में ही मजा आता है। सबसे पहले हम लेंगे ग्रेटेड कोकोनट, ये ताजा घिसा हुआ कोकोनट है। इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चना दाल, ये रोस्टेड चना दाल है। इसमें जाएगा थोड़ा सा अदरक, एक छोटी ग्रीन चिली, एक छोटा सा पीस इमली का, सॉल्ट टू टेस्ट। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, जस्ट इनफ कि चटनी आराम से पिस जाए। और इसे हम पीस लेंगे। Look at that, nice and thick,
ये चटनी तैयार है, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा और पतला भी कर सकते हैं, बट जितना थिक रहेगी थोड़ी सी ज़्यादा इंटेंस रहेगी। आई लाइक इट अ लिटिल थिक। लेकिन ये अभी भी कंप्लीट नहीं है, इसका तड़का बाकी है। इसके अंदर अब हम डालेंगे ऑयल, इसमें जाएगा सूखी लाल मिर्च, उड़द दाल, इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, और फिर कड़ी पत्ता, और इमीडिएटली इसे हम चटनी में छोंक देंगे। गिव इट अ नाइस मिक्स। कोकोनट चटनी बहुत ही वर्सेटाइल होती है और इसके अंदर आप जो भी इंग्रेडिएंट डालेंगे उसमें वो ढल जाएगी। अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक भी डाल सकते हैं, गार्लिक एक अच्छा फ्लेवर देता है। अगर आपके पास कुछ हर्ब्स हैं उसको भी आप डाल सकते हैं। इसे हम भर लेंगे। कोकोनट चटनी को आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं। इनफैक्ट घर पर ब्रेड है उसे टोस्ट करके उस पर चटनी लगा सकते हैं। यम। और हमारी कोकोनट चटनी डन।